फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करेंगे कक्षा 9 विज्ञान प्रश्न बैंक अध्याय 15 के बारे में, जो कि आपका अध्याय है खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में। पिछले वीडियो से यदि आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और आपकी पूरी प्रश्न बैंक हमने सॉल्व करवा दी। साथ में इंग्लिश की प्रश्न बैंक भी हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लू प्रिंट के अनुसार इस पाठ से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 1 प्रश्न आएगा 3 अंक का। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 नंबर आपको इस पाठ से मिलेंगे। आखिरी पाठ है, ऐसा नहीं सोचना आपको कि जो है इस पाठ में क्या रखा है अब तो आखिरी आ गया, अब नहीं करते हैं। तो ये भी 5 अंक का महत्व रखता है, 80 में से 5 अंक बहुत महत्व रखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वर्षा ऋतु में जितनी भी फसलें हम उगाते हैं उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। और जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम पढ़ रहे थे, उस समय हमारे शिक्षक ने हमको एक हिंट दिया था कि जैसे कीचड़ हो जाता है बरसात में, और बरसात में कीचड़ हो जाता है तो कीचड़, उसको खपा खप बोलते हैं अपन, है ना, कि खपा खप। तो खरीब से कीचड़, आप याद रखिएगा कि खरीब यानी कि कीचड़ में हमारे पैर गड़ जाते हैं। तो जितनी भी फसलें है ना खरीब की होती है वो सब बरसाती मौसम में उगाते हैं। तो बरसात में हम कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, जिसमें आपका जो है ना सोयाबीन हो जाता है, धान हो जाता है, मक्का हो जाती है, सारे खरीफ फसलें होती है। तो ऐसी फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाते हैं उनको खरीफ फसल कहते हैं। ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम भैया रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं, तो धान, सोयाबीन, मक्का तीनों ही हैं, तो ये उपयुक्त सभी इसका आ जाएगा। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी फसलें हैं, तो रबी फसलें कौन कौन सी है, तो गेहूं भी है, चना भी है, मटर भी है, तो ये भी उपयुक्त सभी आ जाएगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है। फसल की किस्म में सुधार करके, फसल उत्पादन प्रबंधन करके, फसल सुरक्षा प्रबंधन करके, तो सभी है ना, इसका भी उपयुक्त सभी आएगा। फसल की किस्म में सुधार करने हैं तो किन गुणों की अपेक्षा होती है, तो अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीज के अंदर होनी चाहिए, उर्वरक के प्रति अनुरूपता होनी चाहिए और उच्च उत्पादन भी वो देना चाहिए, यानी कि इसमें भी उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, संकरण जब पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अंतर किस्मीय कहा जाता है, कि विभिन्न किस्मों के बीच कराते हैं तो अंतर किस्मीय। रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या कहा जाता है, रासायनिक रूप से केमिकल खाद को क्या कहा जाता है, उसको उर्वरक कहते हैं। निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण बताइए, तो कौन कौन से हैं, गोखरू, गाजर घास, मोथा, तो ये सभी आते हैं, सभी खरपतवार कहलाते हैं। पौधों में रोग कारक हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं, विषाणु भी हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं, तो ये भी उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लें हम, पहला क्वेश्चन है आपका, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, वॉस इंडेक्स किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है। तो वॉस इंडेक्स जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम होता है, वो गाय का होता है। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, गाय। ठीक है, अगला है, सॉरी गाय है ना, वॉस वूबेलिस, वूबेलिस और इंडेक्स इसमें आ रहा है, इंडेक्स गाय के लिए होता है, वूबेलिस जो होता है वो भैंस के लिए होता है। तो वॉस वूबेलिस जो है वो भैंस का वैज्ञानिक नाम है, वूबेलिस। जर्सी, रेड सिंधी एवं साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाली किस जंतु की नस्लें हैं, तो ये गाय की है ना, गाय कोई बोलते हैं, साहिवाल गाय, जर्सी गाय। उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केचुए की सहायता से किया जाता है, तो उसको हम भैया वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, है ना, वर्मी कंपोस्ट। और मैं खुद अपने घर पर वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ, है ना। ऐसे एक पौधे का नाम लिखिए जिनका उपयोग हरी खाद के निर्माण में होता है, तो हरी खाद के निर्माण में मूंग का निर्माण होता है, मूंग। ठीक है, मूंग की फसल का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर ले। अगला क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी। अब सही जोड़ी आपको मिलान करना है। सही जोड़ी पहला है आपका वृहत पोषक। वृहत पोषक यानी जिससे फसलों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, फास्फोरस से मिलता है। सूक्ष्म पोषक जो होता है वो कॉपर होता है। वर्मी कंपोस्ट केचू को द्वारा बनाया जाता है। नीम की पत्तियां जो होती है वो क्या होती है, जैव कीटनाशक होती है। और नील हरित शैवाल जैविक उर्वरक का काम करता है। ठीक है, चलिए अब तीन अंक वाले प्रश्न हो गए आपके। तीन अंक वाले सारे प्रश्नों के उत्तर हमने आपके लिए जो है लेकर आए हैं, ये देख लीजिएगा। फसल उत्पादन में वृद्धि के तीन उपाय लिखिए, तो ये आपके सामने कौन कौन से तीन उपाय हमको कर सकते हैं। अगला है, फसल की किस्म में सुधार है तो तीन कारकों को स्पष्ट कीजिए, तो ये भी आपके सामने, वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। कंपोस्ट क्या है तीसरा प्रश्न है, इसके दो उपयोग लिखिए, तो केचुओं से खाद का निर्माण करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है और इसके इतने सारे महत्व हैं। अंतरा फसलीकरण क्या है, इसका क्या लाभ है, तो भैया सोयाबीन मक्का को एकांतर पंक्ति में एक ही खेत में साथ साथ उगाने को अंतर फसलीकरण कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, फसल सुरक्षा प्रबंधन के तीन उपाय लिखिए, ये आपके सामने है।
और छठा क्वेश्चन जो है वो भी आपके सामने ही इधर वाले हाथ पे, दुग्ध उत्पादन करने वाले जंतुओं को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपके सामने हम कैसा भोजन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो है ये वीडियो समाप्त होती है और विज्ञान प्रश्न बैंक के सारे वीडियो हमने कवर कर दिए हैं। यदि सारे वीडियो आपको देखना है, आपकी एग्जाम आने वाली है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी क्वेश्चन बैंक से ही अधिकतर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ये सारे वीडियो यदि देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्ले लिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, उन्हें जरूर देखिएगा। धन्यवाद।